मांगलिक काम हो तो सबसे पहले गणेश जी का पूजन होता है। देवताओं में ये विचार आया कि सबसे पूजन पहले किसका हो, तो बात सारी वहां शर्त रखी गई कि ये पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके और सबसे पहले आ जाए उनका पहले पूजन होगा। तो किसी के हंस है, किसी के गरुड़ है, किसी के मोर है, किसी के नंदीश्वर, ऐसे अलग अलग वाहन है, उन वाहनों पर चढ़ करके बेचने। अब भगवान गणेश लंबा तो पेट मोटे सारे शरीर में, अब भगवान चूहा उनके बाहर, जो ये लोग बैठे विचार करते हैं कि हमारा चूहा तो इतना चलता नहीं तो क्या करें। नारद बाबा आ गए तो बिना कैसे बैठे हो, कैसे करें, सब प्रदक्षिणा कर रहे पूरी, तब पूरा काम हो। तो ये तो वापसी भी एक मान क्या करें कि पार्वती और शंकर की पूजन कर लो, शंकर पार्वती पूजन करके परिक्रमा कर लो, परिक्रमा कर रही माँ दा माँ बाप में सब आ जाते थे, तो परिक्रमा करके वे आ गए। देखा सभी बहन तो चूहे के पग अगर ही पड़े, अरे गणेश जी तो गए, अब भागे भागे आए सब, गणेश जी पहले आके बैठ गए वहाँ माँ के सामने। फिर आप आ गए, हाँ कभी तो आ गए मैं तो। तो भाई अब सबसे पहला पूजन गणेश जी का होगा। एक दूसरी कथा आती है जिसमें उदासीन हुए तो कहा तुम प्रतिष्ठा करने चाहते तो राम नाम लिख करके प्रतिष्ठा कर लो राम। तो गोस्वामी ने वो लिखा प्रथम पूजिए तो नाम प्रभाव, नाम की प्रदक्षिणा करनी, तो नाम की प्रदक्षिणा करने से नाम के अंतर्गत सब सृष्टि आ गई, कोई बाकी नहीं रहा। तो फिर सबसे पहले पूजन गणेश जी का हुआ। कोई भी विवाह करते हैं तो पहले गणेश जी का पूजन गणेश जी को पड़ जाते हैं। अरे शिव जी के विवाह में भी पहले पूजन गणेश जी का हुआ। तो गोस्वामी जी ने वहां कहा है कभी ये आदि के देवता है या अभी के नहीं है, सदा ही नित्य देव है। और बड़ी सुंदर गणेश जी महाराज बुद्धि विधाता है, बुद्धि सागर है, समूह समुद्र है बुद्धि का। तो गणेश जी की उपासना करने से बुद्धि बड़ी निर्मल रहती है, शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है। एक विचित्र बात है, ये बाल रूप है तो ये बालक रूप से ही इनकी पूजन होता है। और गणेश जी महाराज खुश भी बालकों से होते हैं, बालकों को लड्डू दिए जाए, इनकी सेवा की जाए तो गणपति राजी हो जाते हैं। और गणेश जी के आज चौथे चतुर्थी भगवान गणेश जी का जन्मदिन है, गणेश जी की चतुर्थी मनाओ। ये इनको लड्डू प्यारे बहुत हैं, लड्डुओं का ये भोग लगे, उनका पूजन हो, आरती हो, आनंद हो, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी ऊंचे रहने की बात है। तो भाई अपने अपने मन से भगवान गणेश जी का पूजन करो और भजन करो, नाम उच्चारण करो और अपना अहोभाग्य समझो कि हम भी और भगवान गणेश जी का उत्सव मना रहे हैं, बड़ी आनंद की बात है। नारायण नारायण नारायण।